यूं तो भगवान शिव थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु श्रावण मास का अपना ही विशेष महत्व है। सभी मासों में से श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान शिव की श्रावण मास में की गई पूजा विशेष फलदायक होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को अति प्रिय महीना है श्रावण मास का। श्रावण मास आरंभ हो चुका है और देश भर में शिव भक्ति का माहौल बना हुआ है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तजनों का समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। श्रावण महीने के इस पावन पर्व पर हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बता रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग भी कहा जाता है, और यह एक स्वयंभू शिवलिंग है। छत्तीसगढ़ के राज्य की राजधानी रायपुर से महज 91 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाजियाबाद जिले के एक छोटे से गांव में रौदा के घने जंगलों के बीच स्थित यह प्राकृतिक शिवलिंग जैसे भूतेश्वरनाथ के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे विशालकाय प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू का अर्थ होता है कि जो शिवलिंग स्वयं उत्पन्न हुआ हो। भूतेश्वरनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध यह प्राकृतिक प्रदत्त शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेष यह है कि यह हर साल इसका आकार नित्य नित्य बढ़ रहा है, जो अपने आप में ही एक यह सिद्ध करता है कि भगवान शिव स्वयं इस पावन धरा पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। शिवलिंग की यह खासियत भक्तों के लिए तो चमत्कार है, परंतु वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। यह प्राकृतिक शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 18 फीट व चौड़ाई 20 फीट है। भूतेश्वरनाथ महादेव को बकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की भाषा में हुकारना यानी कि आवाज देने की ध्वनि को बकुरा कहा जाता है, इसलिए भूतेश्वर महादेव को बकुरा महादेव के नाम से पुकारा जाता है। भूतेश्वरनाथ महादेव के पीछे भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी के साथ विराजमान है। इस शिवलिंग का बड़ा हुआ आकार आज भी एक शोध का विषय बना हुआ है, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है भूतेश्वरनाथ महादेव की शिवलिंग के पीछे का इतिहास और पूरी कहानी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता चल सके हमारे महादेव के इस शिवलिंग के बारे में। धन्यवाद।